आज हम आपको बताने वाले हैं 10 ऐसी चाणक्य नीति की बातें जिन्हें अपनाने के बाद में आपको जिंदगी में कभी हार नहीं मिलेगा। तो आइए जानते हैं उन 10 अनमोल बातों को। नंबर 1, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को कभी इतना सीधा नहीं होना चाहिए। चाणक्य ने कुछ इस तरह से उदाहरण दिया है कि जंगल में जो पेड़ सबसे सीधे और चिकने होते हैं उन्हें काटने में कोई समस्या नहीं आती है, इसलिए उन्हें सबसे पहले काट लिया जाता है। नंबर 2, चाणक्य कहते हैं कि विश्व को चलाने के लिए धन एकमात्र शक्ति है। जिसके पास धन है उसके सगे संबंधी भी होते हैं। व्यक्ति के धनी होने के कारण उसे सच्चा इंसान माना जाता है, उसे बुद्धिमान, विद्वान और योग्य माना जाता है। नंबर 3, क्रोध मृत्यु को बुलावा देती है, लालच और लोभ दुख को बुलावा देती है। वही विद्या दूध देने वाली गाय के समान है जो मनुष्य की हर जगह रक्षा करती है। इसके अलावा आचार चाणक्य कहते हैं कि संतोष करने वाला व्यक्ति आसानी से जीवन यापन कर सकता है। नंबर 4, चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को अपना वक्त अध्ययन और मनन में बिताना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को सुबह जागकर महाभारत, दिन में स्त्रियों के क्रियाकलापों और रात को चारों ओर की गतिविधियों के बारे में पढ़ना चाहिए। नंबर 5, एक अनुशासनहीन इंसान हमेशा दुखी रहता है और दूसरों को भी दुखी करता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति नियमों को तोड़कर दूसरे लोगों और खुद के लिए मुश्किलें खड़ा करता है। नंबर 6, चाणक्य कहते हैं कि एक स्त्री पुरुष की तुलना में 2 गुना आहार लेती है, यानी 2 गुना खाना खाती है, 4 गुना बुद्धिमान और चालाक होती है और 6 गुना साहसी होती है। नंबर 7, अपने रहस्यों को किसी से जाहिर नहीं करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि यह आदत आपको बर्बाद कर सकती है। नंबर 8, आचार चाणक्य कहते हैं कि हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ ना हो। चाणक्य कहते हैं कि ये एक कड़वा सत्य है। नंबर 9, आचार चाणक्य कहते हैं कि शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिलता है और उसे वो दर्जा हासिल होता है जो आम आदमी को नहीं होता है। नंबर 10, आगे चाणक्य कहते हैं कि हमें पहले के बारे में सोचकर पछतावा नहीं करना चाहिए और ना ही भविष्य को लेकर चिंता करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीता है। आप भी वर्तमान में जिएं और भूत भविष्य की चिंता छोड़ दें।